जेआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं विंडोज के कुछ शॉर्टकट की के बारे में कि जैसे हम कुछ काम करना हो तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी काम करे तो थोड़ा सा क्या कर सके, हम तीव्र गति से काम करें, कुछ फास्ट काम कर सकें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट। हर समय उसमें हम लोग को जानना है कि जो विंडो के साथ कुछ ऐसे शॉर्टकट होते हैं जिसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो आज की क्लास हम लोग वही जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहले दे रहा है विंडो प्लस ई, क्या दे रहा है विंडो प्लस ई, यानी कि अगर हम विंडो प्लस ई दबाते हैं तब हमारा वहां पे होता है ओपन दिस पीसी। क्या ओपन होता है? दिस पीसी। अब सपोज करिए कि आप अपने सी ड्राइव या डी ड्राइव में कोई डाटा रखे हैं, आपको ओपन करना है, तो आप यहाँ पे ये फाइल ओपन किए हैं तो आप क्या करना होगा, पहले आप इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर आप देखेंगे दिस पीसी कहाँ है, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, तब जाकर दिस पीसी को आप क्या कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। लेकिन आप कहीं भी रहें और आपको शॉर्टकट की पता है कि विंडो के साथ ई बटन दबाएंगे तो क्या होगा, दिस पीसी, तो बस कीबोर्ड से दबाइए विंडो प्लस ई। जैसे विंडो प्लस ई दबाएंगे तो आपका दिस पीसी यहाँ से ओपन हो जाएगा, यानी कि आपको उतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल बस दो बटन दबाना आपका दिस पीसी ओपन होके। दूसरा किसमें दिया है, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर क्या दिया है, ओपन रन कमांड। आप लोग क्या करना हो, जो कुछ भी सर्च करना हो तो ज्यादातर आप लोग विंडो प्लस आर करते हैं, रन कमांड ओपन हो जाता है, उस पर आपको जो भी लिखना होता है आप सर्च करके आसानी से ला सकते हैं। तो वैसे हो जो आपको लाना हो आप क्या करेंगे, विंडो प्लस आर करिए। जैसे विंडो प्लस आर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रन कमांड आ जाएगा, यानी कि इसको रन बॉक्स बोलते हैं। आप इससे क्या कर सकते हैं, इसको जो भी लिख के लाना हो, जैसे हमको नोटपैड ओपन करना है तो टाइप करिए नोटपैड, जैसे नोटपैड टाइप करके ओके करेंगे आपका नोटपैड क्या हो जाएगा, आसान में, यानी कि आपको कुछ भी सर्च करके लाना था आप विंडो प्लस आर करें तो आपको क्या आ जाएगा, रन का। आगे कह रहा है विंडोज टैब, विंडोज टैब का क्या दिखा रहा है, ओपन टास्क व्यू। टास्क व्यू क्या है कि अभी हम आपसे ये पूछ रहे हैं, थोड़ा सा एक काम करिए, इसमें बताइए क्या क्या हम पहले इसके पहले ओपन किए थे, सारा हिस्ट्री हमको जानना, तो उसके लिए आपको ओपन करना होगा टास्क व्यू। तो टास्क व्यू कहीं से ओपन करने के लिए जाएं तो एक बटन देगा, कब, कि जब आप टास्क बार पे आइए, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो आप ये चाहते हैं कि ये हाइड रहिए, यहाँ से दिखाई ही ना दे, ऐसे रहे, तब आपको क्या करना हो, टास्क व्यू लाना हो, सिर्फ आप क्या दबाएंगे, विंडो के साथ टैब, यानी कि हम इसमें क्या दबाएंगे, ओ एस के लिखे हम और एक कीबोर्ड, इसमें हमको क्या दबाना है, विंडो, और विंडो के साथ दबाना है टैब। अब जैसे विंडो के साथ टैब बटन हम दबाएंगे तो हमारा आ जाएगा टास्क व्यू, क्या आ जाएगा, टास्क व्यू। देखिए हमारा ये नोटपैड का फाइल ओपन है, नीचे एक हमने ये जूम का फाइल ओपन किया जिससे हम क्लास लाइव लिए हैं, प्लस एक हमने ये जूम का एप्लीकेशन दिखा रहा है, और नीचे आएंगे तो बता रहे हैं यहाँ पे अर्लियर टूडे, यानी कि इसके पहले क्या चला है, देखिए एक्सेल ओपन हुआ है, फिर शॉर्टकट ओपन हुआ है, यस्टरडे यानी कि कल की क्लास में आपका क्या चला, तो एक्सेल, एमएस पेंट, उसके नीचे आएंगे तो आपका फिर क्या बना है, एमएस पेंट बना है, पेंट पे रिसाइज किया गया है, फिर फोटो में क्या किया गया, कुछ ना कुछ चेंजिंग किया गया है, आपका वर्ड का फाइल बना है, यानी कि जो भी आप काम किए रहेंगे ये सारा आपको हिस्ट्री में यहाँ पे दिख जाए। हर समझ में ना, इसका प्रयोग कब करेंगे, सपोज करें कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और कोई ये कहे, थोड़ा सा इसके पहले देखना हमारे कंप्यूटर में कोई क्या क्या ओपन किया है, सिंपल बस आप विंडो के साथ क्या करिए टैब, तो ओपन हो जाएगा टास्क भी, अब दिख जाएगा आपको कि हाँ यहाँ पे क्या क्या ओपन हुआ है, हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे दे रहा है आपका विंडो प्लस एम, विंडो प्लस एम क्या दे रहा है, मिनिमाइज ऑल विंडो। सपोज कि आप ये नोट पैड का डाटा ओपन किए हैं और आपको मिनिमाइज करना हो तो आप लोग क्या करते हैं, माउस को लेके जाएंगे कर्सर को कहाँ पे, मिनिमाइज वाले बटन पे क्लिक करें तब तो मिनिमाइज होगा ना, लेकिन आप कीबोर्ड से काम करें बस विंडो के साथ ही बटन दबाइए, क्या हो गया, मिनिमाइज। पुनः वापस लाना है तो इसमें विंडो शिफ्ट के साथ एम बटन दबा दीजिए, देखिए दे रहे हैं यहाँ पे विंडो प्लस एम करें तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज ऑल विंडो, और वही विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम करेंगे तो आपका हो जाएगा रिस्टोर मिनिमाइज विंडो ऑन डेस्कटॉप, यानी कि जो भी आप क्या किए रहेंगे, मिनिमाइज किए रहेंगे, पुनः उसको वापस लाना है तो विंडो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, मिनिमाइज करना था बस आप विंडो एम कर दिया, आपका विंडो क्या हो गया, मिनिमाइज, वापस लाना है विंडो शिफ्ट प्लस एम करिए, आपका पुनः सारा क्या हो जाएगा, वापस आना, आ रहा समझ में। उसके बाद से दे रहा है विंडो प्लस लेफ्ट एरो, कि आप विंडो के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तब क्या होगा, देखिए जैसे आपको करना ये है कि एक साथ दो एप्लीकेशन ओपन करना है, जैसे आप ये चाहते हैं एक हमारा ये जिसपे टाइप के नोट पैड का सा, ये विंडो का सारा शॉर्टकट की ये भी रहे और एक ब्लैंक पेज आ जाए, इससे हम देख उसमें टाइप कर सके, तो चाहेंगे साइड बाय साइड में आ जाए, यानी कि ये हमारा जो टाइप किया गया है वो एक साइड और जो नहीं टाइप किया गया है वो एक साइड, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, विंडो प्लस लेफ्ट एरो और विंडो प्लस राइट एरो। कैसे,
देखिए बिंदु प्लस राइट एरो कर रहे हैं, तो सारा बिंदु कहाँ चला गया, किधर गया है, राइट साइड। एक बार और बिंदु प्लस आर किए और यहाँ ओपन कर लिए नोट पैड, क्या ओपन कर लिए नोट। अब इसको कर लेंगे बिंदु प्लस लेफ्ट एरो, तो क्या एक लेफ्ट में और एक राइट में दिखाई दे रहा है ना। अब हमारा ये फुल स्क्रीन ये भी है, और उसका जो हमारा लिखा गया ये भी हमारा फुल स्क्रीन। हम चाहते हैं एक लेफ्ट में आ जाए और एक राइट में, तो जिसको लेफ्ट लेके जाना उसको विंडो के साथ करेंगे लेफ्ट पे, और जिसको राइट लेके जाना उसको करेंगे विंडो के साथ राइट। क्या दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। अब आप इसमें से देखिए और इसमें आसाइन क्या कर लीजिए, टाइ हो जाएगा। और उसके नीचे आप आएंगे तो आप इसमें देगा विंडो के साथ आई, यानी कि ओपन सेटिंग, कि आपको क्या करना हो, आपके अपने सिस्टम की सेटिंग ओपन करनी है तो उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल क्या करिए, विंडो प्लस आई। अब देखिए जैसे विंडो प्लस आई हम करेंगे हमारे सिस्टम की क्या ओपन हो जाएगी, सेटिंग। आ समझ में। अब आपको इसमें जिस प्रकार की सेटिंग करनी है, जैसे आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो पर्सनलाइजेशन में आ जाइए, और बैकग्राउंड चेंज करना तो आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते, हो जाएगा। क्लियर है ये, यानी कि हम सिंपल क्या किए, विंडो प्लस आई, तो क्या ओपन हो गया है, सेटिंग। ये समझ में आ रहा है। अगला, जैसे जाते हैं आप कह रहे हैं विंडो प्लस अप एरो और विंडो प्लस डाउन एरो, इसका प्रयोग जैसा हम ये कहें आपको सिर्फ इस विंडो को छोटा करना है, तो मैक्सिमाइज स्टोर वाले बटन पे क्लिक करते हैं लोग ना, छोटा हो जाता है, और पुनः इस पे क्लिक करते हैं तो बड़ा हो जाता है। हम चाहते हैं इसको किसी शॉर्टकट के माध्यम से छोटा और बड़ा कर सकें। देखिए विंडो प्लस डाउन एरो करेंगे छोटा होगा, और विंडो प्लस अप एरो करेंगे क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन। कर्सर तो हमारे यहाँ है ना, कहीं क्लिक नहीं कर रहे हैं ना, बस कीबोर्ड से दबा रहे हैं, विंडो प्लस डाउन एरो छोटा हो जाएगा, और विंडो प्लस अप एरो क्या हो जाएगा, क्लियर है सबको। उसके आगे कह रहा है विंडो प्लस ए, और विंडो प्लस ए में कह रहा है ओपन एक्शन सेंटर, तो आप लोगों को अब ये पता नहीं होगा कि एक्शन सेंटर होता क्या, बताया किसी को एक्शन सेंटर। तो जैसे आप आएंगे यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन एरिया, क्या दिखाई देगा, नोटिफिकेशन एरिया। अब आपको ये एरिया ओपन करना है, जिसे को हम लोग बोलते हैं एक्शन सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, एक्शन सेंटर। अब हमारे सिस्टम में क्या क्या नोटिफिकेशन आया है ये हमको जानना है, सिंपल क्या प्रेस करना है, विंडो के साथ ए। जैसे विंडो ए करेंगे हमारा नोटिफिकेशन एरिया, यानी कि हमको वहां जाके क्लिक करने की आवश्यकता नहीं, बस क्या दबाना है, विंडो प्लस ए। जैसे विंडो प्लस ए दबाएंगे हमारा क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन एरिया। आगे आगे हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे विंडो प्लस एल, विंडो प्लस एल से क्या होता है, लॉक कंप्यूटर। जैसे हम लोग अपने फोन को लॉक करते हैं ना, एक पावर बटन देता है उसमें दबा देते, हमारा फोन क्या हो जाता है, लॉक। वैसे जब अपने सिस्टम को लॉक करना है तो बस विंडो के साथ क्या दबाएंगे, एल। जैसे विंडो के साथ एल बटन दबाएंगे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉक। पुनः हम पासवर्ड टाइप करेंगे यहाँ पे, जैसे पासवर्ड टाइप करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ओपन, दिख रहा है सबको। और उसके बाद जब नीचे आते हैं पे दिया है विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन प्लस एफपीएन, ये किसके लिए दिया है, कैप्चर ए फुल स्क्रीन शॉट, कि आपको जो स्क्रीन शॉट लेना है तो आपको क्या दबाना होगा, विंडो बटन प्लस प्रिंट स्क्रीन और उसके बाद से एफपीएन। यानी कि जैसे आप देखेंगे तो आपके कीबोर्ड में यहाँ पे दिखाई देगा विंडो के बगल में यहाँ पे एक एफपीएन बटन दिख रहा है ना, और एफपीएन बटन के बाद से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक प्रिंट स्क्रीन दिख रहा है। आपको क्या करना है, ये विंडो फंक्शन और ये प्रिंट स्क्रीन, जैसे आप तीनों एक साथ लेंगे तो आपका आपका यहाँ पे क्या ओपन होगा, स्क्रीनशॉट। चलिए हम क्या करें, यहाँ से इसी काम को स्क्रीनशॉट लेना है, बस विंडो दबाए एफ एन और यहाँ से कर दिया प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट हुआ, कुछ पता चला है ना। अब ये दिखेगा कहाँ, तो विंडो प्लस ई करिए क्या ओपन होगा, दिस पीसी। विंडो प्लस इस क्या ओपन होगा, दिस पीसी। आप चले जाइए पिक्चर में, और पिक्चर में आपको दिखाई देगा स्क्रीनशॉट, दिख रहा है ना, ओपन करिए। तो क्या हमने स्क्रीनशॉट यही लिया है, ये लिए स्क्रीनशॉट ना, हो जाएगा। यानी कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपल क्या दबाना होगा, विंडो के साथ एफएन और उसके बाद से प्रिंट स्क्रीन, हो जाएगा। और आगे दे रहा है विंडो के साथ एक्स बटन, अभी कह रहा ओपन क्विक लिंक मेन, यानी कि आपको शीघ्रता से किसी लिंक को ओपन करना है तो आप क्या दबाइए, विंडो के साथ एक्स। जैसे सब कुछ आप लोग सिस्टम को बंद करना जानते होंगे, ऑल्ट प्लस या फोर बटन प्रेस करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, शट डाउन। मैक्सिमम लोगों को यही पता होता है कि पहला तो क्या कि आप क्लिक करेंगे कहाँ पे, स्टार्ट में, कहाँ स्टार्ट मेनू,
पावर बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद शटडाउन पे क्लिक करें तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा कि आप अल्ट बटन दबाइए और अल्ट के साथ क्या करिए, चलिए हम यहां से क्या दबाए, अल्ट बटन दबाए और उसके बाद क्या दबा देंगे, F4, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, शटडाउन। और उसके बाद क्या करना होगा, इंटर करना होगा ना या ओके क्लिक करना होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं बस सिंपल जल्दी से बंद कर दें, बस आप विंडो यक्स करिए, क्या करिए, विंडो प्लस यक्स, और 2 बार जैसे आप यू बटन प्रेस करेंगे 2 टाइम, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, शटडाउन। कैसे, ध्यान दीजिए, हम सिंपल यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से हम विंडो के साथ यक्स बटन दबाते, क्विक लिंक मेनू आया साइड में, एक बार यू बटन दबाए, देखिए शटडाउन का ऑप्शन दे रहा है बगल में, बस एक बार जैसे हम यू बटन दबाएंगे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, शटडाउन। आ रहा समझ में, यानी कि आपको सरलता से कोई काम करना हो तो बस विंडो एक्स करिए, कई सारे लिंक आ जाएगा क्या, तो जैसे आपको क्या करना है, अपने सिस्टम का फीचर्स देखना है कितना एप्लीकेशन है, तो आप कहाँ पे क्लिक कर दीजिए, एप्स एंड फीचर्स में क्लिक करें तो आपके सिस्टम में एप्लीकेशन ओपन करेगा, आपके सिस्टम में कितना एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया। आ रहा समझ में ना, नहीं तो आपको सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन में जाना होगा, तब आपको ये सारा हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके सिस्टम में कितना एप्लीकेशन है, नहीं तो सिंपल बस आप विंडो यू कर विंडो एक्स करिए और आप किस पे क्लिक कर दीजिए, एप्स एंड फीचर्स, बता देगा सारा हो जाएगा। और अगला विंडो के साथ डी, कह रहा डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, कि आप ये डेस्कटॉप पे जितना काम कर रहे हैं ना मिनिमाइज कर, जैसे भी विंडो एम से बताए ना, तो पुनः वापस लाने के लिए विंडो शिफ्ट प्लस एम करना पड़ता, हम चाहते ये भी ना करना पड़े, बस विंडो डी करिए कई बार में सारा हाइड और पुनः विंडो डी करिए कई बार में सारा ओपन, हो जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, विंडो के साथ जैसे डी बटन दबा रहा है क्या हो जा रहा है, हाइड, फिर विंडो डी कर पुनः क्या हो जा रहा है, वापस आ जा, यानी कोई काम करना हो आपको मिनिमाइज करना है, बस विंडो डी कर हाइड हो गया, पुनः वापस आने तो विंडो के साथ डी बटन दबा दीजिए वापस, आ समझ में। अब जैसे हम उसके आगे जाए, आगे क्या दे रहा है, विंडो अल्ट प्लस डी, क्या कह रहा है, विंडो अल्ट प्लस डी, यानी कि आपको क्या करना है, डेट एंड टाइम ओपन करना है आपको टास्क बार से, सिंपल आपको क्या दबाना है, विंडो अल्ट और डी। अब देखिए कैसे काम करेगा, हम विंडो बटन दबाए अल्ट और यहां दबा दिए डी, तो ओपन हो जाएगा हमारा डेट एंड टाइम, दिख रहा है ऊपर हमको टाइम दिख रहा होगा तो नीचे हमारा डेट दिख रहा है, क्लियर है, कैसे आया है, तो बस हम क्या किए हैं, विंडो अल्ट और डी, जैसे विंडो और ऑल्ट डी कर दिया, यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों दिखाई दे, हो जाएगा। और उसके बाद जैसा हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे दे रहा है विंडो कंट्रोल प्लस डी, कह रहा है क्रिएट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप, क्या करना है, एक नया डेस्कटॉप क्रिएट करना है। अब किसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, सपोज एक आप कोई अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, आज में ना कई जगह ऐसे होता है कि हम काम कर रहे हैं और किसी को दिखाना नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको ये हमारे पास आ रहा है, हम विंडो प्लस डी कर देंगे या विंडो प्लस एम, तो सारा विंडो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए नीचे आपको टास्क बार में दिख जाएगा आप क्या मिनिमाइज किए, दिख जा रहा है ना, क्लिक करेंगे पुनः वापस आ जाएगा, हम ये चाहते हैं नहीं ये यहाँ पे वापस ही ना आए, उसके लिए एक नया डेस्कटॉप क्रिएट करेंगे, पुराना डेस्कटॉप हमारा क्या हो जाएगा दूसरे जगह चला जाएगा, एक नया डेस्कटॉप क्रिएट होके आ जाएगा, प्लस उसको क्लोज करने के लिए बता रहा है कि विंडो कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, F4, यानी कि क्लोज एक्टिव वर्चुअल डेस्कटॉप, कैसे काम करेगा, देखिए मिनिमाइज करें तो नीचे पता लग जा रहा है ना, लेकिन ये हम कर दे विंडो कंट्रोल और डी, क्या पता लग रहा है नीचे क्या यहाँ पे किए हैं, नहीं पता चल रहा है ना, यानी कि हम कोई भी काम करना मिनिमाइज कर दे किसी को पता नहीं लगा हमने क्या यहाँ पे मिनिमाइज किया, पुनः इसको क्लोज करना है तो विंडो कंट्रोल और F4 कर देंगे, तो हमारा पुराना वाला डेस्कटॉप दिख रहा है, यानी कि कब के लिए, कि जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं किसी को दिखाना नहीं है, या हम ये चाहते हैं इस डेस्कटॉप पे हम ये काम करते हैं दूसरा डेस्कटॉप पे कोई नया काम करे, हर समझ में, उसके अगले डेस्कटॉप पे कोई और नया काम करेंगे, तो बस आप विंडो कंट्रोल के साथ क्या करिए डी, नया डेस्कटॉप क्रिएट, आपको इस पे जो काम करना है काम करिए, एक और क्रिएट करना है तो बस विंडो कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करना हो जाएगा, लेकिन आपको पुनः वापस आना है तो पहले इसको क्लोज करें विंडो कंट्रोल और F4, पहला क्लोज हो गया फिर विंडो कंट्रोल और F4 दूसरा क्लोज हो गया, क्या यही सारा मिनिमाइज किए थे ना। अब देखिए जैसे इसके नीचे जाएंगे यहाँ पे कह रहा है कि विंडो कंट्रोल के साथ राइट एरो और विंडो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, यानी कि आपको स्विच करना है वर्चुअल डेस्कटॉप, लेफ्ट में करना है तो आपको क्या करना होगा,
विंडो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, और राइट में करना है तो विंडो कंट्रोल प्लस राइट। कैसे? तो सपोज करें कि विंडो कंट्रोल प्लस डी कर दे रहे हैं, एक नया डेस्कटॉप क्रिएट हो गया ना, फिर विंडो कंट्रोल डी कर दे, कितना डेस्कटॉप क्रिएट हुआ है? तीन। कितना हो गया है? तीन। फिर हम विंडो कंट्रोल डी कर दिया, अब कितना हो गया है? चार। हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम इसको क्लोज नहीं करें बल्कि स्विच कर सकें, पहले से दूसरे पे, दूसरे पे तीसरे पे। उसके लिए क्या करना होगा? विंडो कंट्रोल साथ लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट में आएगा, दिख रहा है ना, और राइट एरो करेंगे कौन सा आएगा? राइट का। आ रहा समझ में? यानी कि बिना क्लोज के आप क्या कर सकते हैं? इस पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दबाना होगा विंडो, विंडो के वास्ते कंट्रोल, और उसके वास्ते लेफ्ट और राइट बटन का प्रयोग करना। क्लियर सबको? हो जाएगा? अब चलिए, जैसे हम इसके नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे इसके नीचे हमारे दे रहा है किसका? विंडो प्लस पी। किसका दे रहा है? विंडो प्लस पी, यानी कि हमको क्या करना हो? ओपन प्रोजेक्टर सेटिंग, कि अगर हमारे सिस्टम प्रोजेक्टर लगा है ना तो उसकी सेटिंग हमको करना है, तो बस विंडो के साथ पी बटन दबाएंगे। देखिए साइड से आ गया प्रोजेक्ट, यानी कि अगर हम कर देंगे ओनली किस पे, स्क्रीन ओनली, पीसी स्क्रीन ओनली, तो सिर्फ हमारे सिस्टम में देखिएगा आपके प्रोजेक्टर में कुछ दिखाई नहीं देगा, और भाई डुप्लीकेट है तो, डुप्लीकेट है तो दोनों में दिखाई दे रहा है दोनों में ना। एक्सटेंड कर देंगे, इसमें क्या होगा कि सिर्फ आपके प्रोजेक्टर में दिखाई देगा, हमारे सिस्टम में जो है आधा स्क्रीन दिखाई देगा, आधा दिखाई नहीं देगा। यानी कि और हमारा क्या है इसमें, हम ये कहें कि एक हमारा ये क्या है, एक ये हमारा डिस्प्ले है, तो इसमें आधा स्क्रीन हमारा दिखाई देगा और आधा दिखाई नहीं देगा। कब? कि जब हम विंडो पी किए हैं और यहाँ पे किस में रहेगा? एक्सटेंड पे रहेगा तब। और अब जो कर देंगे सेकेंड स्क्रीन ओनली, तो सिर्फ प्रोजेक्टर में दिखाई देगा, हमारे सिस्टम में सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा, और डुप्लीकेट है तो दोनों में दिखाई। यानी कि ऐसे आपको प्रोजेक्टर सेटिंग ओपन करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? विंडो प्लस पी बटन दबा के आसानी से सेटिंग ओपन कर सकते हैं। हो जाएगा? अब कह रहा है क्या? ऑल्ट डी सेलेक्ट एड्रेस बार। क्या? तो आप ब्राउजर पेज पे गए, कहाँ चले गए? ब्राउजर पेज पे, और यहाँ आपने कुछ सर्च कर लिया, जैसे जीआईटी पढ़ रहा, तो आप देखेंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है इसी का एड्रेस बार दिख रहा है ऊपर ना, जो सर्च किया गया क्या है? एड्रेस बार। आप ये साथ नहीं, जीआईटी जो पढ़ाना सर्च हुआ है इसको हटा कर हम सरकारी रिजल्ट सर्च करते हैं। आ रहा समझ में ना? बस आप अल्ट के साथ दबाइए डी, सारा सेलेक्ट हो गया है ना, कुछ नहीं करना, बस आपको टाइप करना है पे सरकारी रिजल्ट, इंटर कर दें। अब आपका जीआईटी पढ़ाने बजाय क्या सर्च हो गया? सरकारी रिजल्ट। आपको आधार कार्ड का सर्च करना है, बस अल्ट डी करिए और यहाँ सर्च कर लिए आधार, इंटर कर दीजिए। आधार कार्ड वाला साइट आया, यानी कि आपको ऐसे सर्च करना था, यहाँ पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट करने की आवश्यकता नहीं, एक एक बैक स्पेस करके हटाने की आवश्यकता नहीं। सिंपल आपको क्या दबाना है? बस अल्ट के साथ डी, जो भी सर्च करना बस टाइप कर लीजिए। जैसे फिर हम सर्च कर लेते हैं सरकार, हो जाएगा? और उसके आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें अल्ट के साथ इंटर। तो आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोगों को आइकन चेंज करना था, क्या चेंज करना था? आइकन, तो आप लोग राइट क्लिक करते थे, राइट क्लिक करके कहाँ जाते थे? प्रॉपर्टीज, तब तो आता था ना, लेकिन आप चाहते नहीं हम इसमें डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पे जा सकें, तो आपको बस अल्ट के साथ इंटर बटन दबाना, दिख रहा है ना? क्या करना है? बस इस पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस क्या करिए अल्ट के साथ एंटर बटन दबा दीजिए, आपकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाए। क्या करना है? आइकन चेंज करना है, तो कस्टमाइज, चेंज आइकन, और यहाँ से आइकन चेंज कर सकते। क्लियर है? हो जाएगा? चलिए, और उसके आगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा टैब, टैब, और उसके बाद शिफ्ट के साथ टैब बटन। हम ये कहें कि आप क्या कर रहे हैं, आप माउस का यूज नहीं कर रहे हैं और आप अपने कंट्रोल पैनल की सेटिंग में चले, दिख रहा है ना? तो आप चाहते हैं कि हम एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जा सकें अपने कीबोर्ड के साथ, बस टैब बटन दबाइए। देखिए जा रहे एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे, दिख रहा है ना? पुनः वापस लाना है। अब सपोज करें कि आपको जाना था सिस्टम पे और आप चले गए विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, वापस आना है बस शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाइए, पीछे आ रहा है, और शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे कहाँ जाएगा? हाँ, दिख रहा सबको? हो जाएगा? यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? तो आगे और बता दे, कर रहे थे तो यहाँ तक हो जाएगा ना, शिफ्ट ऐप तक? चलिए, तो आज आप लोग यहाँ तक करिएगा, बाकी का आगे बता देंगे हम, विंडोज सेमी कॉलन से लेकर के विंडोज इसके। हो जाएगा?
आज के लिए बस इतना ही।